शॉर्ट नोटिस पे आप सभी यहाँ पर आए हैं। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू ज़िले में नॉर्थ और साउथ जोन में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें हमने 4 स्नैचर्स को पकड़ा है और ऑलमोस्ट जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट जम्मू में अभी तक अनरिजॉल्व थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। जम्मू साउथ से शुरुआत करते हैं। 26, 27 और 28 सितंबर को साउथ जोन में 6 चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए, जिसमें कि सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, सतवारी, त्रिकुटा नगर, गंग्याल, 3 दिनों में 6 इंसिडेंट्स हुए और थोड़ा सा अनयूजुअल सा पैटर्न हमें लगा, फ्रीक्वेंसी भी अनयूजुअल सी लगी। स्पेशल टीम्स गठित की गई, सीवीज में टीम्स को डिप्लॉय किया गया, सीसीटीवीज हमने एनालाइज किए और हमारे पास कुछ इमेजेस सामने आई जो स्नैचर्स की थी और जिस मोटरसाइकिल पे ये सवार होते थे स्नैचिंग के दौरान उसकी थी। कल सुबह 28 सितंबर को हमारी एक टीम जो कि छन्नी हिम्मत में थी, उन्होंने इन स्नैचर्स को स्पॉट किया, इनका पीछा करना शुरू किया और पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया। जब ये स्नैचर्स त्रिकुटा नगर पहुँचे, इनको ये इलम नहीं था कि इनके पीछे सीवीज में हमारी टीम लगी है और सभी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। वहाँ पे इन्होंने एक लेडी की चेन स्नैच की और उसके कुछ दूर ही हमारी जो टीम्स थी उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। जब पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर इन्हें लेके आए तो इनके नामों के बारे में पता लगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं। इन दोनों के नाम धर्मेंद्र कुमार और राम सेवक, शामली यूपी के ये लोग रहने वाले हैं और जो इन्होंने त्रिकुटा नगर में स्नैचिंग की थी वो चेन हमने मौके पे जब्त की, अपने पोजीशन में ली, उसको कस्टडी में लिया। इनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें ये पता लगा कि जो बाकी 5 इंसिडेंट्स हैं स्नैचिंग के, उनको भी इन्होंने ही अंजाम दिया है और सांबे ज़िले में इन्होंने वो चेन्स छुपा के रखी थी। हमारी टीम्स ने कल वहाँ से ये चेन्स को रिकवर किया। आज हमारे बीच में जो इन चेन्स के राइटफुल ओनर्स हैं वो भी मौजूद हैं, ये अपनी चेन्स की शनाख्त के लिए आए हुए हैं और लीगल प्रोसेस के बाद इन्हें ये चेन्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इन दोनों की सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग से ये भी पता लगा है कि ये पिछले 4 साल से दोनों स्नैचर्स सक्रिय हैं और इन्होंने काफ़ी सारी वारदातें स्नैचिंग की हैं, जिसमें कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। इसके बाद हम लोकल पुलिस से टाई अप करेंगे बाहर के प्रदेशों की, ताकि जहाँ जहाँ पे भी ये इन्वॉल्व होंगे इनकी कस्टडी चेंज होके उनको वहाँ पे गिरफ्त में लिया जा सके और उनकी भी रिकवरीज हों। अब मैं जम्मू नॉर्थ की बात करता हूँ तो यहाँ पे केनाल रोड पे, रूपनगर में, जानीपुर में और पलोड़ा में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए। पिछले 10 साल में जिन्होंने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स किए थे और जो लोग हमारी गिरफ्त में आए थे उनको हमने फिर से पुलिस स्टेशन वाइज उठाना शुरू कर दिया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी और इसी दौरान आज सुबह जानीपुर की टीम ने 2 स्नैचर्स को पकड़ा, जिनके नाम हैं आकाश और राहुल, जो दुर्गा नगर जम्मू के रहने वाले हैं, ये लोकल ही हैं। और इन्होंने बताया कि इन्होंने ये 5 इंसिडेंट्स किए हैं और इन्होंने ये जो स्नैच्ड चेन्स हैं ये मुथूट फाइनेंस को दे दी हैं और बदले में इन्होंने पैसे ले लिए हैं। कल हमारी टीम्स जो हैं वो मुथूट फाइनेंस के साथ टाई अप करेंगी ताकि ये चेन्स रिकवर हो पाएँ और जो इसके लॉफुल ओनर्स हैं उनको ये चेन्स वापस मिल पाएँ। इसके साथ साथ जो मुथूट फाइनेंस पे कार्रवाई, उचित कार्रवाई बनती होगी वो भी हम करेंगे। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का और ख़ास करके जम्मू के उन सभी वासियों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने अपने घर में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे सीसीटीवीज इंस्टॉल किए हैं। ये जो सीसीटीवीज हैं इसकी मदद से हमारे काफ़ी सारे केसेस रिजॉल्व हुए हैं और इस केस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। और आपके माध्यम से उन सभी को अपील भी करता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सीसीटीवीज
वो अपने घरों में अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बाहर सीसीटीवीज लगवाएं, ताकि हम जितना हो सके इस क्राइम को प्रिवेंट कर पाएं, और अगर कहीं पे कोई भी वारदात होती है और फाइनली उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएं, उसको रिजॉल्व कर पाएं। इसके साथ मैं अपील करता हूं सभी ज्वेलर्स से, ज्वेलर एसोसिएशन से, और ये फर्म्स जैसे कि मुथूट फिनांस है, इनके पास कोई भी अगर जाता है ऑर्नामेंट्स लेके, गोल्ड लेके, सिल्वर लेके या कोई और ऑर्नामेंट लेके, एक बार ये वो ज़रूर चेक करें कि क्या उनके पास जो लोग आए हैं इस सोने को बेचने के लिए या गिरवी रखने के लिए, क्या वो उसके असल मालिक हैं भी हैं कि नहीं हैं। कहीं वो स्नैचिंग के ज़रिए से ली हुई चेंज तो नहीं है, कहीं वो चोरी के ज़रिए से ली हुई चेंज तो नहीं है। सभी का अगर साथ रहेगा, मैं यकीन दिलाता हूँ, जैसे ये शहर पहले भी ऑलमोस्ट क्राइम फ्री है, ये आगे भी वैसा ही रहेगा। बाकी मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी टीम्स को, एसपी साउथ और एसपी नॉर्थ दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने दिन रात एक किया है। और हमने ये ठाना था कि जब तक ये स्नैचिंग, इन स्नैचर्स को हम पकड़ नहीं लेते, तो तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया। सर, गाड़ियाँ इस बार की जाती है चैन स्नैचिंग के लिए, ये गाड़ियाँ की खुद की होती हैं, चोरी की होती हैं? ये टीवीएस बाइक है, ये भी चोरी की बाइक है। काफ़ी बार ये वाली चीज़ देखी गई है कि जो जिन वाहनों का ये इस्तेमाल करते हैं चोरी के लिए, तो वो भी चोरी की ही होती हैं। काफ़ी सारे केसेस में नहीं भी होती हैं, तो इसे जनरलाइज करना मुश्किल है, मगर कुछ केसेस में ये चीज़ सामने आई है। सर, जिस तरह आपने मुथूट फाइनेंस, सर, कुल कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? हमने इसमें 4 लोगों को पकड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और 11 केसेस हमने सॉल्व किए हैं। और पिछले दिनों में जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं, जम्मू शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, अब वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए हैं, और कोई भी केस मुझे नहीं लगता है ऐसा बचा होगा। ऑलमोस्ट सारे केसेस ही रिजॉल्व होंगे चेन स्नैचिंग का। सर, आपने एग्जांपल दी मुथूट फाइनेंस को लेकर एक, और जिनको चेन स्नैचिंग के मामले में त्रिकुटा नगर की बात की आपने, वहाँ पर हुई थी, उसको पकड़ लिया गया है। एक तो मुथूट फाइनेंस का आ गया, क्या बाकी चोर जो पकड़े हैं उनसे बरामद किया गया है ये तमाम सामान, या उन्होंने भी कोई हथकंडे बनाए थे, किसी को बेचा जाए या फिर किसी और के गिरवी रखे पैसे लिए जाए? जैसे मैंने बताया कि जो बाकी 5 चेन्स थी जो हमने सांबा से रिकवर की हैं, ये इनका प्लान यही था कि इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके ये चेन्स को बेच देंगे और वहाँ से फिर उसके बदले में पैसा ले लेंगे। जहाँ पे भी कोई ऐसा इंसिडेंस आता है, तो जो कनाइवेंस में लोग होते हैं जिनको ये चेन्स बेची गई हैं स्टोलन प्रॉपर्टी के मसले में, उनको भी, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हमेशा ही की जाती है। सर, ये चारों चोर जो हैं वो बाहरी राज्यों के हैं या लोकल? 2 यूपी के रहने वाले हैं और 2 लोकल हैं। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा क्या मोटिव है चोरी करें भी? आजकल जिस तरीके से नशा बढ़ते जा रहा है, क्या वो नशे की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के केसेस सामने आते हैं? अगर मैं इनकी बात करूँ जो स्नैचर्स की जो बाहर से आए हैं, उन्होंने अभी 1 दिन ही हुआ है वो हमारे पास है, मैं इतने पुख्ता तरीके से आपको बता नहीं पाऊँगा, बट मुझे लगता है कि वो ड्रग्स में शामिल नहीं हैं जो अभी तक हमें पता लगा है। और बाकी जो 2 जम्मू के पकड़े गए हैं उनके बारे में अभी शुरुआती ही जांच है, जैसे ही और चीज़ें और तथ्य सामने आएंगे तो हम आपके साथ साझा करेंगे। गोल्ड की अभी हमने इसको वे नहीं किया है। एक बार ये अभी आप सभी के लेफ्ट साइड में जो इन चेन्स के ओनर्स हैं जिनसे ये चेन्स स्नैच हुई थी, ये लोग आए हैं, ये पहचान कर लेंगे, फिर एक सिंगल चेन लीगल प्रोसेस के बाद इनको हैंड ओवर की जाएगी। सर, पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस को जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। आपने कहा कि जितने भी चोर पकड़े गए हैं आज 2 यूपी के हैं, 2 सारे केस जो हैं वो चेन स्नैचिंग के जम्मू कश्मीर में देखे जा रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कितने बहुत सारे केस सॉल्व किए भी होंगे, उसमें आप सर ये बता सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं, जम्मू के हैं या बाहरी राज्य के हैं? इस चीज़ को बाहरी राज्यों के अपराधियों का जुड़ने से आपके लिए कितना टास्क बढ़ गया है? इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे स्नैचिंग के इंसिडेंट्स एकदम से उनका स्पर्ट हुआ, एकदम से राइज हुआ, तो हमने अपने 10 साल का डेटाबेस निकाला, हमारे पास कितने स्नैचर्स पहले अरेस्ट हो चुके थे, हर एक स्नैचर को उनके घरों से जाके उठाना शुरू किया, ताकि वो आजकल कहाँ पे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, कहीं वो वही स्नैचर्स तो नहीं है जिन्होंने अब की बार भी स्नैचिंग्स को अंजाम दिया है। इस चीज़ को जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाहरी राज्यों से या जम्मू कश्मीर के लोकल,
बट हाँ कुछ इंसिडेंट्स में बाहर के होते हैं और कुछ इंसिडेंट्स में लोकल के होते हैं, मगर उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस अपना काम ठीक से करेगी फिर चाहे वो आउटसाइड जेके यूटी हो चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, पुलिस हमेशा ही उनकी दबिश करने में कामयाब रहती है। सर थोड़ा अंदाजा बताएंगे कहाँ के रहने वाले थे, क्या किसी रेंट के मकान में रहते थे, क्योंकि हर बार पुलिस कहती है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है अगर आप कोई रेंट पे रखते हो, तो अभी तक के जो रहने का प्रोसीजर है क्या कुछ वहाँ से जानकारी हासिल हुई है? जो शामली यूपी से ये दो लोग आए थे राम सेवक और धर्मेंद्र कुमार, ये अपनी आइडेंटिटी इन्होंने फौज की थी, नकली इन्होंने आधार कार्ड्स बनाए थे और कोई भी इनसे पूछता था ये यही कहते थे कि हम माता वैष्णो देवी श्राइन में दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का इलम होने देते थे कि ये किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और ये जम्मू में रुके नहीं थे उस हिसाब से, रातें इन्होंने जम्मू ज़िले में नहीं काटी थी, ये कहीं बाहर थे दूसरे ज़िलों में थे, वो भी आप कोशिश करें कि एग्जैक्टली ये किस जगह पे थे और कैसे कैसे करके इन्होंने ये कैश नहीं सर, नहीं कैश नहीं Definitely, the cameras installed by the Jammu Smart City, they are helping us and they are helping in a big way. जहाँ पे traffic regulations की बात हो या फिर अगर किसी crime को अंजाम कोई देता है तो उसको पकड़ने की बात हो हम उनकी मदद लेते हैं, और high resolution वो cameras हैं काफ़ी जगह पे जम्मू district में वो install किए गए हैं, उनकी मदद हमेशा ही हमारे साथ होती है ताकि हम किसी तरीके से क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, इस क्राइम को कंट्रोल कर पाएं। सर चोरियों की वारदातें भी लगातार बढ़ी हैं, तो नशा भी एक कारण है जिस कारण जो है चोरी की वारदातें जो लगातार बढ़ रही हैं? नशा एक रीज़न हो सकता है, और जैसे चोरी की वारदातें हुई हैं तो चोरी के केसेस भी क्रैक हुए हैं, और उसके साथ साथ इस साल 2023 में जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक 300 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं, मुझे लगता है कि अगर सालाना देखा जाए तो आज तक का सबसे हाईएस्ट, और हमारी दबिश भी नशाखोरों पर भी बड़ी है और चोरों पर भी बड़ी है।